भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने को लेकर सोरम की पंचायत में कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को वहां से हटा दिया गया। ऐसे में मंगलवार 30 मई को पहलवानों के एक ऐलान ने पूरे देश को सन्न कर दिया। दरअसल रेसलर्स ने अपने मेडल हरिद्वार पहुंचकर गंगा नदी में बहाने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद पहलवान अपने अपने मेडल साथ लेकर हरिद्वार पहुंचे और वहां हर की पैड़ी घाट पर अपने मेडल को सीने से लगाकर खड़े रहे। आंखों से आंसू बहती रही, गंगा महासभा के लोग विरोध करते रहे, लेकिन पहलवान वहीं बैठ गए और टस से मस नहीं हुए। इस बीच वहां बालियान खाप के प्रधान नरेश टिकैत पहुंचे और पहलवानों को समझा बुझाकर मेडल ले लिए और उन्हें समझाते हुए सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। इसी बीच रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन की तरफ से भी इस मामले में बयान आ गया है और पहलवानों के मामले में ये बहुत बड़ा अपडेट है। पहलवानों के हरिद्वार में मेडल बहाने के ऐलान की चर्चा देश भर में हो ही रही थी। इसी बीच रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन की तरफ से भी इस मामले में बयान आ गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा है कि अगर 45 दिनों के अंदर भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव नहीं होते हैं तो WFI को आगे के मैच के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। UWW की धमकी इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि अगर WFI को सस्पेंड कर दिया जाता है तो भारतीय एथलीट्स को आगे के सभी मैच न्यूट्रल झंडे के साथ खेलने होंगे, यानी कोई भी खिलाड़ी भारतीय ध्वज के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के मैच में भाग नहीं ले पाएगा। पहलवानों की स्थिति जानने और उनकी सुरक्षा के बारे में बात करने के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग बैठक आयोजित करने वाला है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और WFI की एडहॉक कमेटी से ऐच्छिक जनरल कमेटी बनाने के बारे में भी अनुरोध करेगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पहलवानों के साथ हो रहे व्यवहार और उन्हें हिरासत में लिए जाने की निंदा की है। इसके साथ ही यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अब तक की जांच के परिणामों की कमी पर निराशा व्यक्त की है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने संबंधित अधिकारियों से आरोपों की गहन और निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में मेडल बहाने के लिए रेसलर्स मंगलवार की शाम करीब 5:45 पर हर की पैड़ी पहुंचे थे। यहां विनेश फोगाट और साक्षी मलिक गंगा नदी के किनारे बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू थे, काफी देर तक दोनों सिर पकड़कर रोती रही। यह सारा घटनाक्रम चल ही रहा था कि इस बीच किसान नेता नरेश टिकैत वहां पहुंच गए। उन्होंने साक्षी और विनेश से उनके मेडल ले लिए और समझाते हुए सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। वह इस पूरे घटनाक्रम पर बृजभूषण शरण सिंह के भी बयान आ गए हैं। उन्होंने कहा, जांच होने देना चाहिए, अब सब कुछ दिल्ली पुलिस के हाथ में है। उनके निवेदन पर ही FIR हुई है। वो लोग गंगा जी में मेडल बहाने गए थे लेकिन नरेश टिकैत के हाथ में थमा कर लौट आए। मेरा कार्यकाल खत्म हो गया है इसलिए पद पर नहीं हूँ, अगर गलत पाया जाता हूँ तो गिरफ्तारी भी हो जाएगी। बहरहाल नरेश टिकैत ने सोरम में एक आपात पंचायत बुलाई है। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।